देखने से ही ये चित्र बनते हैं। तो बिंदु से जीवन बनता है और जैसे अर्ध बिंदु मतलब वो मूवमेंट शुरू होता है जिसमें बताऊं डॉट और डॉट को रख के आप घुमाना शुरू कीजिए तो अर्ध बिंदु के आकार में आया जाता है और जैसे ही वो अर्ध बिंदु बनता है जीवन चल पड़ता है, ठीक है। और जब वो आपके चार भुजाओं यानी कार्बन की चार संयोगताओं से जब जुड़ जाता है, कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो जीवन जीवंत अवस्था में आ जाती है, जैसे जड़ जो है वो जीवंत में आ जाता है। अच्छा, मनुष्य के रूप में अब बताएं कितनी बैलेंसेस होती हैं, मनुष्य कब बनता है, किसी को आप कैसे बताओगे? कार्बन की चार बैलेंसी से एक प्राण शुरू होता है, कार्बन की 10 बैलेंसी से मनुष्य बनता है। जब आप जब विज्ञान पढ़ेंगे तो ये विज्ञान में तो सबको पता है कि कार्बन की 10 बैलेंसी होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कार्बन की 10 बैलेंसी के बाद मनुष्य बनता है। तो ये हमारे आदि गुरुओं ने इस तरह से बताया। और जो वलय है, जब आप अर्ध बिंदु को घुमाना शुरू करेंगे तो वो इलिप्टिकल वे में वो गोल 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 घूमता रहेगा। इस घूमने से ही हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और जो कॉम्बिनेशन बनते चले गए हैं उस कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के जीव बनते चले गए। तो ये तो वलय है, प्रदक्षिणा। आपके ऊपर जो बंधन दिया जाता है वो प्रदक्षिणा होती है। आप स्वयं की प्रदक्षिणा करें, स्वयं को अपने ऑरा के अंदर रखें, ये श्री माता जी ने बताया। तो ये जो बंधन की प्रक्रिया है ये हम अपनी प्रदक्षिणा करते हैं, नहीं तो बाहरी लोग इतना जानते हैं बाकी लोग कि जब हम मंदिर के अंदर गोल 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 जब घूमते हैं तो प्रदक्षिणा करते हैं, वो मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई। और जब आप अपना हाथ घुमाते हैं तो आप अपनी प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप सबको बता सकते हैं ना। अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न कीजिए। जिज्ञासा इसे कहते हैं। देर हो रही है, मेरा फिर से प्रश्न आता है, आज के दिन आपने अच्छा क्या किया? आज के दिन आप बच्चों ने अच्छा क्या किया है? कोई याद रखने लायक काम किया है? कोई जवाब नहीं है। आपने कोई अच्छा, हाँ बताइए। किस जीव की आपने जान बचाई? अच्छा, जिस दिन बारिश हुआ था तो उस दिन वो भीग गया था, बहुत ज्यादा भीग गया था। तो हम लोग उठे थे सुबह, शाम के टाइम से पहले उठे थे। अच्छा, तो बाहर गया तो हम लोग बात उन्होंने से लगाए धुलाए और फिर से आग से लाके उसकी सफाई और फिर से उसमें उड़ा दिए थे और फिर उसकी रक्षा किया हम लोग उसकी। और फिर आज हम लोग एक गाय के रूम में चलाए जाए, तो आपने उसको पाल लिया? अच्छा, आपके पास ही रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि किसी के प्राण बचाइए, बहुत अच्छी बात है। और किसी ने कुछ अच्छा काम किया? जय श्री माता जी। अच्छा, अपने 5 गुण बताइए, सब लोग बताएं, जितने लोग बैठे हैं ना इस पर अपने 5 गुण बताइए। सोलह गुण पूछने चाहिए, मैं 5 ही पूछ रही हूं। कोई नहीं बोलेगा, कोई आपके पास गुण नहीं है? माँ हम बोलना चाहते हैं, जय श्री माता जी माँ, जय श्री माता जी माँ। मेरे भीतर जो श्री माता जी ने गुण दिया है, क्षमा,
और हृदय में निर्वाज्य प्रेम, और हृदय में एक करुणा का जो भाव माने दिया है वो भी मेरे भीतर का एक सुंदर गुण है जिससे माँ ने आशीर्वादित किया। और तो कितने हुए, पांच हुए? नहीं माँ, तीन हुए। आप एक मनुष्य प्रेम, प्रेम प्रेम करुणा क्षमा और दया और पवित्रता। बहुत सुंदर बात है। दो लोग अभी जुड़े हैं, बहुत देर में आप लोग जुड़े, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बस मैंने ये किया कि पांच गुण अपने बता दीजिए। अब कौन बताने जा रहा है? रूबी जी ने अपने गुण बता दिए, इस तरह से अपने पांच गुण बताइए। जब आप लोग जवाब ही नहीं देंगे तो मैं ये सेशन लेके क्या करूंगी भाई? तो बच्चे बोले ना, हम भी आप ही बोलो। चारू जी बोल रही हैं। हाँ, तो करुणा और दया तो एक ही हो गई ना चारू जी? करुणा और दया तो एक ही हो गया। अब बताइए। सही बात है, बहुत सुंदर बात। क्योंकि चारू जी जब भी कहीं किसी को पता चलता है कि उसको प्रॉब्लम है, तुरंत खाना लेके, हमारी सहज की बहनें जो हैं इस मामले में बहुत ही सुंदर हैं, तुरंत भोजन लेकर के बाकी लोग